सुबह 9 बजे। मेरा अल्तू असेंबल कर रहा है डैडी के साथ, और ये मेरी मिट्टू देखो क्या कर रही है। तो ये चेयर जो है ये हो गई है, ये ऐसी है, इनको असेंबल नहीं किया है, और टेबल असेंबल हो रहा है। और हुरैन ने सारे प्लांट्स में पानी डाल दिया है ना, किसमें किसमें डाला है आपने, डाल दिया, यू डन। ये तुलसी का प्लांट देखो मैंने यहाँ रखा तो यहाँ ग्रो कर गया, नहीं तो ये पूरा ऐसे सूख गया था, और अब देखो ग्रीन हो गया है। अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। और आपने देखा सब उठ चुके हैं घर में, और बालकनी के टेबल वगैरह असेंबल हो चुके हैं, और अब हम पियेंगे अपनी सेकेंड टी क्योंकि नाश्ता बन गया है, मौसी किचन में है। और आज हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि आज हमारे हम मिलने वाले हैं मोदी जी से। मैं आपको सारी डिटेल देती हूँ, सभी एक्साइटेड है। वेल अभी देखते हैं। गोभी के पराठे, पनीर नहीं गोभी के पराठे बोले थे, तो बन के बिल्कुल से रेडी हो गए हैं। तो यूटिलिटी में चल रहे हैं कपड़े, और यहाँ पे मौसी बना रहे हैं रोटी। मौसी हाय करो। और आज बना है हमारे घर फिश करी, जो कि मौसी ने बनाया है, यम्मी। ऑयल आ गया बढ़िया ऊपर, ये लग गए हैं स्टील वाले बर्तन, स्टील के बर्तन बहुत ज़्यादा नहीं है, सारी ग्लास और सिरेमिक क्रॉकरीज है। हो डैडी ने वहाँ रखे, आपका है, यहाँ रख रहा हूँ ना, आ जाओ। नहीं बच्चा डैडी दादा सही में यहाँ अच्छा लग रहा है ना, इधर से इधर तो बेकार लगता था। हाँ, हुरैन ने आज इतने प्यारे प्लेट्स किए हैं, श्री ने करके दिए हैं, तो हुरैन और श्री दोनों थोड़ा देर टेरिस पर जा रहे हैं क्योंकि सारे बच्चे ऊपर ही हैं। और मैं अभी अपने निकाल लेती हूँ कपड़े क्योंकि लकी भी ऑलमोस्ट रेडी है, सिर्फ हुरैन और मैं बाकी हैं, टाइम का तो आज पता ही नहीं चलने वाला है। तो आज फर्स्ट टाइम हुरैन ने देखो प्लेट किए हैं, फर्स्ट वाला है हुरैन का, ये इतना क्यूट लग रहा है, हुरा। तो हुरा जा रहा है टेरिस पे थोड़ा देर, उसके बाद हुरा के करेगा शैम्पू। मम्मा नहीं आजू, मम्मा डैडी रेडी हो रहे ना अभी जल्दी जल्दी, फिर हुरैन फिर हम जाएंगे। तो मैं अभी वेयर करूंगी, मेरे ना 5-6 ड्रेस ड्राई क्लीन के लिए गए हैं, आज ये वेयर करूंगी। सब रेडी हो गए हैं, बस मैं और हुरैन रह गए। मुझे भाभी के इतने फोन आ रहे हैं, डायरेक्ट रेडी होके हम नीचे मिलेंगे, कैमरा नीचे ही ऑन करूंगी। गाइज मैं आ चुकी हूँ नीचे, और बस अभी कभी भी जो है वो आ जाएंगे सब नीचे वेलकम के लिए। और ये हमारी मौसी है, ये कुकिंग करते हैं, है ना मौसी? हाँ, भाभी के घर पे। और ये भाभी रेडी हो गई है, भाभी ने जो ड्रेस पहना था मैंने बोला चेंज करो, और जो हम दोनों के पास सेम ड्रेस है मैंने कहा आज आप वो वेयर करोगे। तो भाभी ने ये प्यारा सा ड्रेस पहना है, अभी देखते हैं वो आएंगे तो कितनी वो हो रही है ना अंदर से। ये देखो हमारी श्री भी रेडी होके आ गई है, बहुत क्यूट लग रही है। मैं सेम फ्रॉक बोल रही थी हुरैन को पहना तो, बोलती है वो बहुत इरिटेट होगी, तो उसका हमने स्कर्ट लाया, वो सो गई। अच्छा सेम ही तो पहनती थी ना, जा रही है बुके लेके नीचे, और सब वेट कर रहे हैं, जल्दी जा। गाइस रोल की आवाज आ रही है, नीचे आ गए हैं, और हम लोग यहाँ बिल्कुल वेट, हम लोग सिर्फ हम ही है भाभी और हम लोग यहाँ पे वेलकम करेंगे। जो कितने ज्यादा फटाके फूट रहे हैं और वो बज रहे हैं, अब पेट में दर्द हो रहा है। हो रहा है मेरे भी पेट में दर्द हो रहा है। श्री के पेट में हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, एंड टाइम पे सोई हुई है, चलो अच्छा है थोड़ा देर सो जाए। तो फटाके इधर दिखेंगे ना, फटाके बजने चालू हो गए हैं नीचे। नहीं इधर नहीं दिख रहे, वो देखो नीचे फटाके बज रहे हैं, और ये सारे मॉल हैं हमारी सोसाइटी में। हाँ ना, बहुत ज्यादा बज रहे हैं, अब से भाभी और मैं वेलकम के लिए। हम लोग आए थे, आओ भाभी चलो, पहले थोड़ा दूर से ले फिर मैं दे रहा हूँ। ओके ये घुटे थे काटूंगा, बोलो। या
बुके श्री भाभी बुके बुके सो गाइज इन्हें देखकर आपको क्या लग रहा है, मतलब श्री नरेंद्र मोदी जी से मिलने वाली जो एक्साइटमेंट होती है ना हमारे अंदर, एग्जैक्टली वही थी। तो मैं आपको वीडियो में आगे बताती हूँ कि क्या है एक्चुअल सब कुछ। फाइनली हो गया गाइज, तेरा देखो गाना आया, जाओ फोटो खींचते जाओ। सो यहाँ पर हम लोगों का जो एक्साइटमेंट लेवल था, मेरा हमारी पूरी सोसाइटी का, वो एक्सट्रीम लेवल पे था। ये जो है श्री नरेंद्र मोदी जी की आप कॉपी कह सकते हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और लुक लाइक अ मोदी जिनका बहुत नाम है। और मतलब जब ये आए इनके वेलकम के लिए इतना ज़्यादा धमाकेदार वेलकम और इतनी तगड़ी सिक्योरिटी, हालांकि ये बहुत ज़्यादा रुके नहीं, ये 5-10 मिनट में जो है यहाँ से इन्हें एग्जिट कर लिया, लेकिन बहुत मज़ा आया। फोटोज ले ली, अब हम करेंगे समोसा पार्टी। हेलो मोदी गाइस, अब होगी समोसा पार्टी। बाय। हाँ मिली, मोदी जी आए सब। क्या भाभी, मैंने उनको बोला अभी अपने पूरा किसके साथ हो? तो मैंने फोटो खींचे तो मैंने बोला आप वो साइड में आ जाओ। गाइस ये मिलो, ये है तन्वी। हेलो। और तन्वी मेरी सब्सक्राइबर भी है। यस। नहीं एक्चुअली ये भाभी के बहन की बेटी है। ना हम लोगों की 5 पीढ़ियां थी अभी तक, इसकी सास थी ना जब तक, हाँ। तब तक हम लोगों की ये 5 पीढ़ियां थी हम लोग, है ना। और ये दीदी हैं और इनकी आवाज अभी आप सुनोगे, बहुत प्यारा गाना गाते हैं ना भाभी। अब ये गाना गाएंगे। हुरेन का फेवरेट कलर क्या है? हुरेन ने वो वाला बोला था ना, पिंक। पिंक उसने उसने कलर का नाम नहीं बोला, उसने पॉइंट किया कि वो है। हाँ रियली वो है मेरा फेवरेट कलर है ना, पिंक है वो। हम आगे घर और अब ये जा रहे कहाँ, आपका मीटिंग है एक पार्टी में। पापा
आज काफी अच्छा रहा, बहुत ही मतलब वो बहुत ज्यादा नहीं, 5 मिनट रुके मुश्किल से मोदी जी, लेकिन मीटिंग ऐसी हुई मतलब मस्त वाली। मैं तो बिल्कुल उनके साथ में खड़ी थी बाजू में। सीरियसली तो ये निकल रहे हैं गाइज और हम घर पे हैं गाइज। इसे बोलना जरूरी है 1 लाख। तो शूज देखो गाइज, ठीक है आप ज़ूम करके देखो, ऐड कर वरुण धवन। हाँ जी राजा, पापा ना मारे ऐसा, पापा के साथ जा। अच्छा पापा के साथ जा, हाँ जाओ पापा लेके जा रहे हैं आपको अपने साथ। वाह 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 वाह, झेलते हैं पता है, मैं आप दोनों के बच्चों की माँ हूँ तो आप दोनों को संभालना है। 20,000 में पता है बेबी बेबी वो मिलती है। तो तुम बोलना के चाह रहे हैं वो रख लेता, तुम जाओ तुम जाओ। नहीं प्यार करता तुम हो ना, बच्चों को संभालने के लिए बच गया साला। हाँ 20,000 मिल जाती है, लेकिन इनके बोलने का मतलब है कि माँ नहीं मिलती तो छोड़ो ना मेरे प्यार ये लगी, नहीं, पड़ी तो पहले बोलो ना गाइस, देखो मैं कैसे पढ़ी हूँ, लेकिन बोलो पहले कि तुम प्यार करते हो, बहुत जबरदस्ती मत भूलने लगा। अरे हाँ ना गाइस, एक्चुअली क्या है ना, भाभी का कॉल आ गया देखो। तो ये रेडी हो गया दोनों बच्चों का मैगी मसाला, मैं इंजॉय कर रही हूँ। ये खा लिया मैंने तो, यहाँ दिख रहा है गोभी का पराठा विद टी, बहुत यम्मी है गाइस। आज मॉर्निंग में बने थे तो मैंने फिर अभी इवनिंग में फिर से बनाए, और लक्की भी ले आए बाहर से। चलिए तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, और अब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ जैसे आप सब, वैसे मैं भी, क्योंकि रमज़ान कमिंग सून, बच्चों के एग्जाम्स भी आ गए हैं यार, मतलब बच्चों के एग्जाम्स और रमज़ान की सारी प्रिपरेशन जो है वो एक साथ चलेगी, और मुझे काफ़ी कुछ प्रिपेयर करके रखना है क्योंकि अल्तमश के एग्जाम्स भी मुझे दिलवाने हैं। खुरैन का तो एडमिशन हो गया है, मुझे टेंशन नहीं है, और अल्तमश का भी चल रहा है, बस अल्तमश के एग्जाम्स का है तो खैर वो भी हो जाएगा। तो आप सब दुआओं में याद रखो प्लीज़, प्लीज़ नाम लेके दुआएं करें। आप सभी मुझे जो कमेंट्स करते हैं जॉब से काम से रिलेटेड, वो सारे ही मैंने देखे हैं, इंशाल्लाह मैं बात करूंगी और उसका रिप्लाई जल्दी दूंगी। अल्लाह हाफिज़।